नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग के ऑटो डिलीट फंक्शन के बारे में। ये कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको कर्सर को स्क्रीन पर लेके आना है और यहाँ कर्सर पर स्क्रीन पर ला करके आपको यहाँ एक सिस्टम का ऑप्शन मिल रहा होगा। इस सिस्टम के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, मेन्यू में जाइए, वहाँ आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम पे क्लिक करके आप जनरल में आइए। जनरल में आपको यहाँ पे स्टोरेज फुल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सामने आपकी डिटेल दिखाई दे रही होगी, ओवरराइट और स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आपने हमेशा ओवरराइट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो पर्टिकुलर डेज के बाद ऑटो डिलीट हो जाएंगी। अगर आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जितनी आपकी है वो रिकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद आपकी हार्ड डिस्क जो है आगे रिकॉर्ड करना बंद कर देगी, जब तक कि आप पहले वाले रिकॉर्डिंग को, पहले वाले डाटाज को, पहले वाली फुटेज को जब तक आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप ओवरराइट पे क्लिक कीजिए, उसे सेव कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।